सो यहाँ पर देख लो, अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ इलाहाबाद, जो कि है 54 किलोमीटर, और जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी इस बाइक में हुई है चोरी। अब वो चोरी क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्दी भी जाना है क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, 12 बज चुके हैं, एक काम है। तो मिलते हैं आगे, बताता हूँ पूरी स्टोरी की क्या बात है, क्या चोरी हुआ मेरी इस बाइक में। तो यहाँ पर चोरी क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट सर्विस इसकी हुई थी करीब करीब 5-6 महीने पहले, मुझे सही से याद नहीं है, मैं आपको यहाँ पर इनवॉइस दिखा दूँगा। और किलोमीटर भी इसने करीब करीब 1600-1700 किलोमीटर ही तय किए हुए हैं, और 1.7 लीटर में से अगर मैं आपको इंजन ऑयल दिखाना चाहूँ तो वो इंजन ऑयल पूरा बाइक को टिल्ट करने के बाद भी नहीं दिख रहा है, तब दिख रही है जब आपसे ये बाइक गिरने लग जाएगी इस साइड की ओर, राइट हैंड साइड की ओर, तब जाकर के आपके इसके इंजन ऑयल के इंडिकेटर पर इंजन ऑयल दिखता है। ऐसी एक बार सीधा करो तो एक बार बाइक को देखो, ये बाइक अभी एकदम सीधी है, मैं सामने से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और इधर ले लो, थोड़ा सा बस, अब देखो ये बाइक एकदम सीधी है, मिनिमम लेवल पर तो होना चाहिए, कम से कम मिनिमम लेवल पर भी नहीं है ये इंजन ऑयल, मिनिमम लेवल ये है, मैक्सिमम लेवल ये है। तो अगर मैं और टिल्ट करवाऊँ आसिफ, और टिल्ट करो मेरी तरफ, पर इंजन ऑयल आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शोरूम की तरफ से चोरी कह सकते हैं कि 1.7 लीटर की जगह पर वो 1.2 लीटर डाल रहे हैं। बिल भी चार्ज हुआ है 1.7 का, लेकिन जो अमाउंट है इंजन ऑयल का वो इसमें कम है, और इसी की वजह से मुझे आज मालूम पड़ा जब इसमें वैसे इसकी थर्ड सर्विस जो है वो ड्यू चल रही है और किलोमीटर केवल हुए 1700, तो मैं आज वही जा रहा हूँ फ्री वाली सर्विस कराने के लिए। तो चलो चलते हैं इलाहाबाद की ओर, मैंने आपको दिखाई दिया था कि मैं किस जगह से इलाहाबाद में चढ़ रहा हूँ, प्रतापगढ़ से होकर के मैं इलाहाबाद की ओर जा रहा हूँ यानी प्रयागराज, और वहाँ पर जाते हैं। वैसे भी मैं 2-3 दिन पहले ही मैं लखनऊ गया था लेकिन सर्विस नहीं करवा पाया कुछ वजह से, वरना मुझे वहाँ पर भी ये बात का मालूम ना पड़ने पाता, क्योंकि मुझे मालूम तो जस्ट आज ही पता चला है कि इसमें इंजन ऑयल की चोरी हुई है। अब अगर आप लोग ये कहते हो कि इसके कंबस्टन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इंजन जो है इसका ऑयल खाया जा रहा है, तो मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगा किसी क्लिप में कि वो भी एकदम क्लीन है, क्लियर है, मतलब इसका एग्जॉस्ट जो है वो एकदम क्लीन है, कहीं से कोई भी स्मोक नहीं है, ब्लैक स्मोक नहीं है, ना ही कहीं से कोई सीपेज है इंजन में। मतलब ये बहुत लक की बात है कि 390 में इंजन सीपेज नहीं है, वरना 99% लोगों का जो इंजन होता है, लोगों का जो लोग खरीद के नहीं लेके जा रहे हैं, वो सीपेज कर ही जाता है, क्योंकि मैंने इसमें ऑब्जर्व किया था कि जितने भी इंजन के नट्स हैं वो मैंने घर पे हैंड टाइट किए हुए हैं, तो शोरूम से या कह सकते हैं कि प्लांट से टाइट होकर के नहीं आए थे। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड नॉइस होगी, तो सीधा चलते हैं शोरूम पर, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, ऑलरेडी 12:10 हो रहे हैं, तो मुझे जाना भी है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा शोरूम पर मिलते हैं। सो आ चुके हैं प्रयागराज के अंदर मात्र 35 मिनट में, यहाँ पर देख लो आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, यही है इलाहाबाद, मतलब दिखाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मैं इलाहाबाद के अंदर हूँ। बाकी यार मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, व्लॉग क्या बनाऊँ यार, मतलब जिस शोरूम पर इतना ज़्यादा भरोसा करो, अगर वो लोग आपका दिल तोड़ें, भरोसा तोड़ें, एक गाड़ी नई गाड़ी के साथ यार बदतमीजी है, मतलब अच्छी नहीं लगती यार, पुरानी हो तब भी दर्द होगा भाई, पैसा लगा होगा, ऊपर से 1.2 डाल रहे हो, मतलब मैं कह नहीं रहा कन्फर्म 1.2, लेकिन अगर उन्होंने इंजन 1.7 डाला तो कम से कम मिनिमम तो होना चाहिए, मिनिमम के नीचे जो ग्लास बचा हुआ है उस पर तो होना चाहिए, चला वहाँ पर भी नहीं है यार, तो कहीं ना कहीं ये सरासर चोरी है जिस पर नज़र नहीं गई, नज़र तब गई जब, मतलब कल गई, जब ये सोचा कि चलो ठीक है कुछ दिन और चला लेते तब कराएंगे सर्विस। सो यार मैंने अभी चेक किया कि सही से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं शोरूम में, तो मालूम पड़ा शोरूम पर गोप्रो ने खेला खेल गया, तो कुल मिलाकर के शोरूम में जो कुछ भी तिगड़म तगड़म हुई उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ वहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ज़रूर ले लिया है जिससे ये मैं बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या धोखा हुआ था, और मैं वो इंजन ऑयल जो इस बाइक से निकला है मैं वो भी भरवा करके ले करके आ रहा हूँ, और यकीन मानो निकला कितना जानते हो, 1.2, जितना मैंने कहा था उतना ही निकला, 1.2 निकला, क्योंकि एक डिब्बा आता है जो वहाँ पर सर्विस में थे बंदे, उन्होंने बताया कि ऐसा क्या हुआ होगा, तो 1.5 का एक डिब्बा आता है जो कि ड्यूक 200 में पड़ता है, और वही डिब्बा कि मैंने फ़ोटो भी खींचा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, शायद आपको दिख रहा होगा। फ़िलहाल मैं इलाहाबाद में हूँ तो निकल जाऊँ यहाँ से, सर्विस तो हो ही चुकी है, रिकॉर्डिंग यार नहीं हो पाई, क्या बताऊँ। तो डिब्बे में आप साफ साफ देख सकते हो 1.5 और 1.7 का डिब्बा आता है।
तो यार जो इंजन ऑयल की बात हुई थी वो ये वाला डब्बा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 1.7 का है, और इसका डिज़ाइन आप देख लो कि पकड़ने में भी अच्छा खासा है, मतलब साइज़ में भी ये बड़ा है। मैं फ़िल्टर रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, देख लो फ़िल्टर से भी बड़ा है। एक्चुअल में जो अभी तक पड़ रहा था वो जस्ट इतना बड़ा ही इंजन ऑयल का डिब्बा रहता था, जो कि 1.5 रहा करता था। और मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ कि अभी जो है मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई हैं, उसका बिल कितना आया हुआ है। तो एक ऑयल फ़िल्टर यूज़ हुआ है जिसका एक पीस का अगर रेट देखे तो 79 रुपीज़ का है, और इंजन ऑयल जो है वो 1580 रुपये का है। और इसका एयर फिल्टर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो एयर फिल्टर आपको दिख रहे हैं, एक तो गाड़ी में लग गया, एक ये पुराना वाला है जो मैं लेकर के आया हूँ, और एक ये नया वाला जो मैंने स्पेयर में रखा हुआ है, और तीन मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हैं, अभी इनकी भी कहानी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा जो एयर फिल्टर है दो पीस मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर देखो दो पीस एयर फिल्टर, तो ये मुझे पड़ा है 516 रुपये का। टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है 2175 रुपये की, जिसमें ओरिंग भी मैंने चेंज करवाया था जो कि करीब करीब 6 रुपये का होता है, उसकी मैंने कॉस्ट उन्होंने मुझसे नहीं लिया हुआ है। तो ठीक है, इसको भी मैं लेकर के आया हूँ। वैसे ये ओरिंग ख़राब नहीं होती है एक ही सर्विस में, लेकिन फिर भी इसको ले लेने से फ़ायदा आपका रहेगा। खुदा ना खास्ता मोबिल फिल्टर के पास से आपको कोई सीपेज नज़र आती है तो आप ये पुराना वाला यूज़ कर सकते हो, इसकी ओरिंग को चेंज करके आपकी जो गाड़ी है वो अपने एरिया तक लेके जा सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको ले कर रखा हुआ है। बाकी एक एक्स्ट्रा फिल्टर इसलिए क्योंकि मुझे रखना था, मैं स्पेयर पार्ट रखने का थोड़ा सा शौकीन भी हूँ। और तीन तीन एयर फिल्टर इसलिए क्योंकि यार लखनऊ में जिस जगह पर मेरी बाइक में चोरी हुआ था वहाँ पर उन्होंने एयर फिल्टर देने से मना कर दिया था। मैं गया था वहाँ पर सर्विस कराने के लिए, मैंने उनसे एक बार बस पार्ट्स मांगे थे कि मुझे स्पेयर पार्ट्स दे दो, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई स्पेयर पार्ट्स अब KTM में नहीं दिया जाता। तो मैंने डुप्लीकेट जा कर के ये मजबूरी में ले लिया। ये बाकी चीज़ें जो है वो तो ऑनलाइन मिल ही जाती है, और मोबिल फ़िल्टर जो है वो बजाज का डोमिनार 400 का लग जाता है, लेकिन एयर फिल्टर में चेंजेस थे जो कि आप यहाँ पर देख लो। ये कुछ इस तरीके का इसका एयर फिल्टर है, और सेम ऐसे ही ये वाला भी है। बस ओरिजिनल में जो है आपको यहाँ पर वाइट कलर का एक बटर पेपर मिल जाएगा जिसमें थोड़ा सा ऑयल लगा होता है, जो कि बहुत जल्द डस्ट कलेक्ट कर लेता है। एक साइड से बिल्कुल नया रहेगा, एक साइड से जहाँ पर बटर पेपर लगा है वहाँ से गंदा हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डुप्लीकेट आप ले सकते हो, लेकिन बस 400-500 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर चलाने के लिए बस आप पहुँच जाओ किसी तरीके से सर्विस सेंटर तक उसके लिए। इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 110-120 रुपये का था, और जो ओरिजिनल वाला है वो हमें पड़ रहा है 218 रुपये का। अब यहाँ पर मेरे साथ झोल क्या हुआ था कि इंजन ऑयल ही कम दिया गया था। वो कम क्यों हुआ था ये मैं डब्बे में भरवा के लेकर के आया हूँ, जो इंजन ऑयल मुझे मिला था अपनी बाइक में से 390 में से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो शायद आपको दिख जाए 1000 ml, 1100 ml, और यहाँ पर 1200 ml से थोड़ा सा कम ही है ये। तो आप कह सकते हैं कि मात्र 1200-1500 किलोमीटर चलने के बाद इंजन ऑयल इतना ज़्यादा कैसे कम हो सकता है। कम नहीं हुआ था एक्चुअल में, कम डाला ही गया था। 1.5 डालोगे तो 150-200 ml जो है वो 1000-1200 किलोमीटर पे कंज्यूम करता है। हाँ, KTM में ये प्रॉब्लम है, और आजकल तो आपको पता ही होगा कि ड्यूक 390 जो अभी आई हुई है नई वाली, उसमें तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसके इंजन डायरेक्ट ब्लास्ट हो रहे हैं। सेंसर इतने बढ़ा दिए, लेकिन जब इंजन ही काम नहीं करेगा तो सेंसर का फीचर का आप करोगे क्या। तो बस इस वीडियो में इतना ही। शेयर करो इस वीडियो को ताकि लोगों को मालूम पड़े कि नई वाली में ही नहीं पुरानी वाली में भी प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ करते थे कि इंजन रिलायबल नहीं हो। हाँ, पुराने ड्यूक का इंजन बहुत रिलायबल है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तो यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।